झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाला को लेकर ईडी का एक्शन लगातार जो है वो जारी है। अहले सुबह बुधवार को भी ताबड़तोड़ रेड जो है 5 जगहों पे किया गया है ईडी के द्वारा। और इस वक्त हम हैं सत्येंद्र अपार्टमेंट के 402 नंबर फ्लैट के बाहर। ये ठेकेदार विपिन सिंह का आवास है, इसके ओनर जो है प्रभात कुमार पांडे हैं। ईडी जब यहाँ छापेमारी करने के लिए पहुंची तो लॉक्ड था ये घर, उसके पहले ही ये पूरा परिवार कहीं बाहर जा चुका था। तो अब ईडी ने ये नोटिस चिपकाया है और इस घर को सील कर दिया है ताकि किसी तरह का किसी भी एविडेंस के साथ टैम्परिंग ना हो सके। सुबह सवेरे ही छापेमारी की गई थी और उसके बाद जो है जमीन घोटाले मामले में लगातार ताबड़तोड़ छापेमारियां चल रही है। ये यहाँ पे ईडी के संज्ञान में मामला आया था कि एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है और वो जमीन घोटाले के जरिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे जिसके जरिए सेल एंड परचेज ऑफ लैंड किया जाता था। जमीन को हथिया कर उसके डीड्स और उसके नेचर को चेंज करके कागजात तैयार करके, जिसको लेकर आईएएस छवि रंजन से भी पूछताछ हुई क्योंकि वो फॉर्मर डीसी है रांची के और रेवेन्यू के हेड होते हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्री ऑफिस जो है उस पर ईडी ने छापेमारी की थी और कई इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स को बरामद किया था। कहा जाता है कि इस मामले में भू जो जमीन माफिया का जो कारोबार है, जमीन का जो कारोबार है, उसमें सफेद पोस्ट से लेकर ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता है, कॉम्प्लिसिटी है और इसमें पैसा बहुत है। मेटियोरिक राइज हुआ है यहाँ के जो रियल स्टेट का जो प्राइस है, स्काई रॉकेटेड हुआ है राज बनने के बाद। तो ऐसे में लगातार जो है ये एक ऐसा जमीन भू माफिया इस पर निगाह इसलिए बनाए रखते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम और रातारात पैसा कमाने का एक बड़ा जरिया है। इसलिए बड़ा सिंडिकेट इसमें काम करता है जिसमें सफेद पोस्ट से लेके तमाम जो सिस्टम में मैटर करते हैं वैसे लोग शामिल होते हैं और उसी कड़ी को तोड़ने में ईडी लगी हुई है। लगातार जो है छापेमारी कर रही है, कई डायमेंशन में यहाँ लगातार छापेमारी कर रही है ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग ही एंगल है। कैसे अकूट संपत्ति दर्ज की गई है माइनिंग माफिया के द्वारा, बालू माफिया के द्वारा, तो इस एंगल में लगातार जो है मनरेगा घोटाला से जो मामला शुरू हुआ था वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है और 6 आईएएस भी रडार पे आए, कई इंजीनियर और जमीन कारोबारियों को अरेस्ट भी किया गया। इस वक्त इस फ्लैट के केयर टेकर हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेश सिंह। हाँ, क्या हुआ, कितना बजे आए थे ईडी वाले लोग? करीब 8 बजे, सुबह 8 बजे। और यहाँ पे जब किनका घर है? विपिन सिंह का? विपिन सिंह नहीं, प्रभात कुमार पांडे जी। तो क्या हुआ फिर आके यहाँ सील कर दिया उन लोगों ने? जी। अच्छा, और कितने बजे निकले फिर वो लोग? उन लोग मतलब 2 घंटा यहाँ रुके। 2 घंटा यहाँ रुके थे जी। कितने लोग थे उन लोग? उन लोग 7-8 थे। 7-8 टीम में, यानी ईडी के टीम में 7-8 लोग शामिल थे जो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जब किसी को नहीं पाया उन्होंने इस लोकेशन पे तो बकायदा यहाँ नोटिस चिपका के कि जब तक ईडी की परमिशन ना हो इस घर को ना खोला जाए। घर को सील कर दिया गया। घर जो है इस आवास में विपिन सिंह रहते थे, प्रभात कुमार पांडे इसके ओनर हैं, उनको बुलाकर उनके सामने इस आवास को सील किया गया है और लगातार इस डायमेंशन में छापेमारी का दौर जारी है। जेएमएम ने अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि जिस तरह से केंद्र अपने एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है और खासकर गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में उसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। जाहिर तौर पे जेएमएम का निशाना और इशारा दोनों ही ईडी के तरफ है। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई झारखंड में बीते 1 साल से ज्यादा से चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अलग अलग एंगल से खंगाला जा रहा है। ईडी की तरफ से प्रोब और इन्वेस्टिगेशन चालू है। मनरेगा घोटाला से जो मामला शुरू हुआ, कई आईएएस उसके बाद रडार पे आए, इसके अलावा जो है अवैध उत्खनन का मामला, फिर पत्थर उत्खनन का मामला, इसमें जो है मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि थे, विधायक प्रतिनिधि, उनकी गिरफ्तारी, कई गिरफ्तारियां भी लगातार होते गई, पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी, इसके अलावा राजीव अरुण एक्का जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे उनसे पूछताछ,
कि आखिर वो कैसे जो है फाइल्स डिस्पोज कर रहे थे पावर ब्रोकर के घर से। ये तमाम मुद्दे जो है सामने लगातार आते रहे और 6 आईएस तो रडार पे आई। अलग अलग माफियाओं के खिलाफ अभियान ईडी के द्वारा चलाया जाता रहा और इसी डायमेंशन में नया आयाम जो जुड़ा है वो है अब जमीन घोटाला का मामला। जाहिर तौर पे झारखंड बनने के बाद से जिस तरह से रियल स्टेट के प्राइस यहां बूम हुए, कहीं ना कहीं ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट लगने लगा, चाहे वो सफेद पोस हो, सिस्टम में जो भी लोग मैटर करते हैं डिसीजन मेकर, कहा जाता है कि इनका एक सिंडिकेट है और लगता है कि अगर दिन दुगनी और आमदनी को कई फोल्ड बढ़ाना है तो जमीन जो है रियल स्टेट के क्षेत्र में आना होगा। और उसको लेकर ये बातें सामने आई कि आनन फानन किसी तरह से उसको हथियाने, उस पर कब्जा करने और उसके जरिए मोटा रकम कमाने के लिए हर तरह के हटकंडे जो है अपनाए जाने लगे। डीसी जो है, फॉर्मर डीसी, वो रडार पे आए, छवि रंजन। रजिस्ट्री ऑफिस रांची का जो है वहां रेड किया गया ईडी की तरफ से और कुछ कागजात भी बरामद किए गए। ये भी मामला सामने आया कि फर्जी जो है कागजात तैयार करके जमीन की खरीद बिक्री की जाती थी, यहां तक कि आर्मी के भी 4.77 एकड़ जमीन का घोटाला जो है वो किया जा रहा था, उसको ईडी ने डिटेक्ट किया। साथ ही एक ग्रीवान सेल भी खोल दिया जिसमें वैसे लोग अब सामने आ रहे हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं कि फलाना अधिकारी या फलाना जो माफिया था या फलाना जो दबंग था उसने उसकी जमीन को हथिया लिया और पुलिस ने भी उसकी बात नहीं सुनी। तो इन तमाम एंगल को भी अब ईडी खंगालने लगी है और बात जब निकली है तो वो दूर तलक जा रही है। और इसीलिए जेएमएम ने ये कहा है कि चपरासी से लेकर अधिकारी तक और डिसीजन मेकर तक जिस तरह से मकरजाल फैल गया है ईडी का, ऐसे में आखिर सरकार कैसे काम करे। कोरोना के जो 2 साल थे उस वक्त एप्रिसिएशन मिला हेमंत सरकार को, लेकिन उसके बाद से लगातार यहां विकास ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए ईडी का ताना बाना बुना गया है और लगातार जो है छापेमारियां की जा रही है और उससे कोई अछूता नहीं है। सीएमओ के लोगों को जो है लगातार परेशान किया जा रहा है। उनका साफ तौर से कहना था 24 अप्रैल को ही जो मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार है उनके प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई और वहां से भी कहा जा रहा है कि वहां से भी पूछताछ की जा रही है और मामला जो है जमीन घोटाला का ही है। कुछ सुराग जो है लगता है ईडी को कि वहां से मिल सकता है। तो ये अब जो है जेएमएम की तरफ से ऑफिशियली कहा गया है कि ये अब ज्यादा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए ताकि गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में जिस तरह से सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है उसको उस पर जो है लगाम कसा जा सके और वैसे राज्य अपने विकास का कार्य कर सके, डेवलपमेंट का कार्य कर सके। ये साफ तौर से जेएमएम का आरोप है और जेएमएम की मांग है सुप्रीम कोर्ट से। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।